E207 पावर सिस्टम फर्स्ट में अभी हम स्टीम पावर प्लांट का अध्ययन कर रहे हैं। स्टीम पावर प्लांट में अभी तक हमने सिलेक्शन ऑफ पावर प्लांट लोकेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्लांट और उसके वर्किंग पढ़ ली थी। आज हम कोल हैंडलिंग प्लांट और पल्वराइजेशन प्लांट के बारे में बातचीत करेंगे। जो कोल है वो पावर स्टेशन पर ट्रांसपोर्ट की जाती है बाय रोड या रेल से, और इसको कोल स्टोरेज प्लांट में स्टोर कर दिया जाता है। स्टोरेज बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर कोल की स्ट्राइक हो गई, खदानों में स्ट्राइक हो गई, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो फेल हो गया, या कोल की कमी पड़ गई, तो हमें सप्लाई कंटिन्यू रखने के लिए कोल का स्टोरेज करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। कोल स्टोरेज प्लांट से फिर इसको हम कोल हैंडलिंग प्लांट में डिलीवर कर देते हैं, जहाँ पर इसको क्रस्ट किया जाता है छोटे पीसेस में, ताकि जो इसका सरफेस एक्सपोजर वो ज़्यादा बढ़ जाए और कम अमाउंट की एयर के साथ आप इसका रैपिड कम्बशन कर सकें। और जो कोल है पल्वराइजर से, उसको फिर बेल्ट कन्वेयर की सहायता से बॉयलर तक पहुंचाया जाता है, जहां पे कोल को जलाया जाता है। ये कोल हैंडलिंग जो प्लांट है उसका ब्लॉक डायग्राम दे रखा है कि क्या क्या रहेगी। कोल रिसिप्ट, जहां कोल आएगी, फिर कोल की अनलोडिंग होगी, जो वैगन्स वगैरह आए उनको अनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसकी स्टैकिंग होती है, स्टैकिंग से स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीन के बाद क्रशिंग होगी, फिर उसको बंकर में डाल दिया जाता है, रिक्लेम होगी और फिर आगे फीड कर दिया जाता है। जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, इसमें तीन तरह की प्रोसेस में तीन स्टेप्स रहते हैं, स्कैल्पिंग है, फाइन रिमूवल और ग्रेडिंग है। उसके बाद जो क्रशिंग प्रोसेस है, छोटे टुकड़ों में काट तोड़ने वाला, उसके भी चार बेसिक प्रोसेस होते हैं। इम्पैक्ट क्रशिंग होती है, एट्रिशन क्रशिंग होती है, शेयर क्रशिंग होती है, कंप्रेशन क्रशिंग। फिर स्टैकिंग प्रोसेस, स्टैकिंग जमाना होता है, डेड स्टोरेज जो है उसको ढेरों के रूप में ग्राउंड के ऊपर डायरेक्टली बिछा देते हैं। जो भी रोड या रेल या एरियल ट्रांसपोर्ट से कोल आया, उसको अनलोडेड किया जाता है स्टैक यार्ड में, और फिर उसको स्टैक किया जाता है प्रॉपरली यूजिंग डोजर्स। जब एक्सेस में ही आ जाती तो उसको सेपरेट कन्वेयर बेल्ट से भी उसको किया जा सकता है, इसके लिए हम स्टेकर काम में लेते हैं। उसके बाद रिक्लेमिंग प्रोसेस है, जो स्टोर्ड कोल है उसको आपको बंकर में डालना होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, या इम्प्रॉपर कोल सप्लाई हो, प्रॉपरली नहीं आ रही तो बंकर में इसको रखा जाता है। इसमें जो स्टैक है वहाँ से कोल को लिफ्ट किया जाता है डोजर और बकेट व्हील के द्वारा। जो डोजर है वो इसको ऊपर में फीड करता है, ये सिंपल प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस है मेन ऑब्जेक्ट वो ये रहता है कि बंकर में क्रस कॉल या नॉन क्रस कॉल जैसे भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अनुसार उसमें डालना होता है। जो बंकरिंग प्रोसेस है इसमें बीन्स का जो लेवल है उसमें मेंटेन रखना होता है, और उसमें कॉल कंटिन्यूसली फीड करनी होती है। तो उसमें कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है बंकर से या बीन में विद द हेल्प ऑफ ट्रिपर्स। ये एक पावर प्लांट है, उसमें कॉल कैसे स्टोरेज किया जाता है उसको दिखा रखा है। और ये क्रशिंग प्लांट्स है, जहाँ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो चार स्टेप्स बताई थी वो करने के लिए इसमें काम में लिया जाता है। कॉल हैंडलिंग प्लांट है, उसका जनरल जो प्रोसेस है वो इस टाइप से रहता है। ऊपर से कॉल आएगी, उसको प्राइमरी क्रशर में डाला जाता है, वहाँ से कॉल स्टोरेज बिल्डिंग में दे दिया जाएगा, फिर वहाँ से उसकी सेकेंडरी क्रशिंग होगी, उसको फिर बंकर में डाल दिया जाता है, फीडर के द्वारा पल्वराइजर में उसको दिया जाता है, और पल्वराइजर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद उसको बॉयलर में फीड किया जाता है। ये जो पल्वराइजिंग प्रोसेस है उसका कई अलग अलग टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं। ये एक स्पेशल प्लांट बता रखा है, जिसमें यहाँ पे रॉ कॉल का बंकर है, यहाँ पे इसका बीन का गेट है जिससे कि एंट्री यहाँ पे होगी, ये फीडर है जो कि इसको पल्वराइजर प्लांट पे फीड करेगा इसको। यहाँ पे इसके थ्रू एयर है वो आती रहती है, एयर है वो थ्रू हॉट एयर है वो इसके थ्रू इसमें से आएगी, और जो पल्वराइज्ड फ्यूल बर्नर है वहाँ पे इसको भेज दिया जाता है। एक दूसरा सिस्टम और बता रखा है इसमें, यहाँ पे ये फैन है जिससे कि एयर आएगी, इसको एयर हीटर से गर्म किया जाता है। जो एयर आ रही ये कॉयल ट्रिपर और कन्वेयर से है, इसको रॉक कॉल बंकर है यहाँ डाला जाएगा कॉल फीडर से, और ये पल्वराइजर है। ठीक, पल्वराइजर से जो आउटपुट आया वो इसके थ्रू होते हुए बैक फिल्टर के थ्रू होते हुए कॉल बीन में चला जाएगा, और उसके बाद इसको ऊपर में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ये टोटल कोल स्टोरेज प्लांट और पल्वराइजिंग प्लांट है, उनकी वर्किंग है। थैंक यू।